ओके, तो इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत कोई लोग मैसेज करता है कि भाई एक लोगो बना दो, बट अभी के टाइम पे मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा सा लोगो बना सकूं। और एक अच्छा सा लोगो बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप भी अपने चैनल के लिए एक अच्छा सा लोगो बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से, ठीक है। तो चलो फिर आज के कमाल की वीडियो को आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पिक्सेट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है एंड इसके बाद आपको स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करके सबसे पहले आपको नीचे से एक ब्लैक बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। और बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको कैरेक्टर पीएनजी को ऐड करना है। और इस वीडियो पर जो भी मैं पीएनजी को यूज़ करूँगा उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो वहाँ से आप लोग सभी का सभी पीएनजी को डाउनलोड कर लेना। बट इस वीडियो को देखने के बाद पहले आपको एडिटिंग स्टेप को देख लेना है, ठीक है। तो आपका जो करेक्टर लोगो है इसको आपको साइड में रखना है यहाँ पर। देन इसके बाद इरेज आइकन पे क्लिक करके यहाँ से हार्डनेस को जीरो कर देना है और साइज को बढ़ा देना है। एंड इस तरीके से इस साइड को आपको थोड़ा सा इरेज कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद ओपासिटी पर क्लिक करके इसकी ओपासिटी को आपको थोड़ा सा कम कर देना है, लगभग 20 के आसपास, और यहाँ से आपको डन कर देना है, ठीक है। एंड डन करने के बाद आपको इसके बाद अपने चैनल के नेम को लिखना है, तो टेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना है इसके लिए। और यहाँ पर आपको अपने चैनल का जो नेम है उसको आपको लिखना है। तो फिलहाल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं आर्या लिख देता हूँ। और यहाँ से आपको सबसे पहले इसके कलर को आपको ब्लैक रखना है और स्टॉक आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर जो इसके स्टॉक के कलर है वो आपको अपने लोगो के थीम के हिसाब से रखना है। आप जो भी थीम का लोगो बनाना चाहते हो उसी कलर को आपको यहाँ पर रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा लोगो का कलर है येल्लो, तो यहाँ पर मैं येल्लो टाइप रख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद शेडो आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इसके कलर को भी येलो में रख देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ब्लू कलर में ऐड करना चाहते हो यानी कि एडिट करना चाहते हो तो ब्लू कलर भी आप लोग चूज़ कर सकते हो यहाँ से। तो इसके बाद आपको यहाँ पर पर्सपेक्टिव टूल देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड इस तरीके से इसको थोड़ा सा आपको ऐसे रोटेट कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से आपको ओपासिटी पर क्लिक कर देना है और अपने चैनल के नेम को इसको आपको लेफ्ट साइड में ऐड कर देना है इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद इस पर आपको क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट बनाना है एंड इसको आपको नीचे साइड में ऐड करना है यहाँ पर, और फिर आपको और एक डुप्लीकेट बनाना है एंड इसको आपको इस साइड में रखना है। तो सिंपल आपको इस तरीके से ऐड कर देना है जिस तरीके से यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद बैकग्राउंड पर आपको ब्लर को भी ऐड करना है, तो इसके लिए आपको इफेक्ट आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ब्लर को ऐड करना है एंड इसको ओपेसिटी को 10 के आसपास रखना है और यहाँ से डन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। ओके, तो इसके बाद हमारा मेन पॉइंट आता है एडिटिंग का। तो यहाँ पर आपको ऐड फोटो पर क्लिक करके एक शील्ड का पीएनजी को आपको ऐड करना है एंड इसके बाद आपको इसके शेडो को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको शेडो के जो कलर है इसको आपको अपने लोगो के थीम के हिसाब से रखना है। और शेडो क्रिएट करने के बाद इसको डुप्लीकेट यहाँ से आपको बनाना है एंड इसको आपको इसी के ऊपर ऐड करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉक आइकन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है और इसके कलर का आपको वाइट रखना है। एंड वाइट रखने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा प्लस आइकन पर क्लिक करना है और ऐड फोटो का ऑप्शन आएगा, तो ऐड फोटो पर क्लिक करके एक और पीएनजी को आपको ऐड कर देना है, एक लाइट पीएनजी को, ठीक है। एंड इसके बाद इसके ब्लेंड मोड को आपको चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्लेंड आइकन देखने को मिलेगा एंड इसके ब्लेंड मोड को आपको ऐड पर रखना है। एंड इसके बाद यहाँ से आपको मूव डाउन कर देना है, तो ये हमारा शील्ड के पीछे ऐड हो जाएगा। तो लाइट को ऐड करने के बाद यहाँ से आपको राइट क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है और फिर से आपको अपने जो करेक्टर पीएनजी है उसको आपको दोबारा से ऐड कर देना है। और हाँ, इस बार आपको अपने करेक्टर पीएनजी को बीच में रखना है अपने शील्ड के ऊपर। देन इसके बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके फिर से आपको टेक्स्ट आइकन पर क्लिक करना है और फिर से आपको अपने चैनल का जो नेम है उसको आपको ऐड करना है। और इस बार आपको फॉन्ट को चेंज करना है अपने चैनल नेम के, तो इसके लिए आपको इसमें क्लिक करना है एंड माय फॉन्ट पर क्लिक करके अपने फॉन्ट को चेंज कर लेना। एंड इस वीडियो पर जो भी मैं फॉन्ट को यूज़ किया हूँ उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। एंड कलर को आप लोग अपने हिसाब से रख देना,
एंड स्टॉक आइकन पे क्लिक करके स्टॉक के कलर को आपको ब्लैक रखना है और शेडो को भी आपको ब्लैक रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लोगो एडिटिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस आपको एक आखिरी एडिटिंग करना है। तो इसके लिए आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको ऐड फोटो पर क्लिक करके एक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। एंड इसके बाद इसके ब्लेंड मोड को आपको लाइटन पर रखना है और इसके बाद इरेज आइकन पर क्लिक करके यहाँ से एक करेक्टर का जो फेस है इसके ऊपर जो इफेक्ट आया हुआ है इसको आपको इरेज कर देना है। एंड यहाँ से आपको डन कर देना है और डन करने के बाद आपको बस एक आखिरी एडिट करना है। तो इसके लिए आपको इफेक्ट आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इफेक्ट्स आइकन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट पर ही एक इफेक्ट देखने को मिलेगा HDR वाला, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ से इसकी ओपेसिटी को आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, तो यहाँ पर मैं इतना रख देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग भी अपने लोगों के ऊपर इतना इफेक्ट रख सकते हो और यहाँ से डन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोगो हमारा कितना ऑसम दिखने लगा है। तो आपको कैसा लगा ये वाला एडिटिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता देना। और इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें आप लोग बिगनेट इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हो जो कि आपको लास्ट पर मिल जाएगा इफेक्ट्स पर ही, ठीक है। एंड यहाँ से डन कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ऑसम दिखने लगा है हमारा लोगो। और एडिटिंग करने के बाद इसको लास्ट में फुल HD में यहाँ से सेव करना मत भूलना। तो आई होप आपको ये वाला एडिटिंग पसंद आ गया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, अगले किसी और एडिटिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।